हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रीना, आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाऊंगी। पहली पुस्तक है गद्यखंड, उसका पहला लेशन है बात। उसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। मैं पहले आपको प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय संक्षेप में बताऊंगी। तो सुनिए बच्चों, सुनिए आप ध्यान से। प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय में पहले क्या आता है, जन्म। तो उनका जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र जी, जो पेशे से जो है एक ज्योतिषी थे, इसलिए ये जो है बैजे नामक गांव को छोड़ करके कानपुर चले आए। इसलिए प्रताप नारायण मिश्र की शिक्षा दीक्षा कानपुर में संपन्न हुई। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी भाषा खड़ी बोली प्रवाहयुक्त मुहावरेदार है और इनकी शैली विनोदात्मक हास्य व्यंग्यमयी शैली है। इनकी रचनाएं प्रताप पीयूष, जो एक निबंध है, और नाटक हठ हमीर, भारत दुर्दशा, कली कौतुक आदि हैं। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही ये स्वर्ग सिधार गए। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना बात है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी।